अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे अंडा चिकन खीमा की रेसिपी। हम हमेशा ही चिकन खीमा बनाते हैं, पर आज जो है हम नए तरीके से आज चिकन खीमा अंडा की रेसिपी बनाने वाले हैं। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। छोटे टुकड़े हम इसमें तेज़पत्ते के डाल देंगे। एक हरी इलायची डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हूँ, ये भी हम बारीक चॉप करके इसमें ऐड करके ले लेंगे। और अच्छे से अभी हम इसे तेल में फ्राई करके ले लेंगे। जब तक नॉर्मली गोल्डन कलर आ नहीं जाता प्याज का, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। जब इस तरह का कलर आ जाएगा प्याज का, तब हम इसमें डाल देंगे चिकन खीमा। मैंने 1/2 किलो चिकन खीमे का इस्तेमाल करी हूँ। इसे मैंने अच्छे से धो के इसका पूरा पानी निकाल ली हूँ। पानी जो है बिल्कुल भी हमें चिकन खीमे में नहीं रखना है। अच्छे से भी हम इसे भी मिला के ले लेंगे सब इसमें। बिल्कुल भी हमें इसे चम्मच रुकाना नहीं है, इसे अच्छे से मिला के ले लेना है हमें। जब हम इसे अच्छे से मिला के ले लेंगे, तब हम इसमें नमक ऐड करके ले लेंगे। नमक जो है हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। फिर मैंने इसमें डाल दी हूँ 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से अभी हम ये भी मिला के ले लेंगे। इसी तरह से आप भी बना के देखिएगा। नवे तरीके का ये चिकन खीमा है और माशाल्लाह बहुत ही खाने में लाजवाब लगने वाला ये न्यू स्टाइल का चिकन खीमा है। अच्छे से भी हम इसे मिला के ले लेंगे। जब इसका आग का पानी देखिए छूटने लग गया है, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ की टमाटर मैंने ले ली हूँ। इसे मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड करके ले लेंगे। और अच्छे से अभी हम इसे भी मिला के ले लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें मिला के ले लेना है हमें। जब हम इसे अच्छे से मिला के ले लेंगे, तब मैं इसे ढक्कन ढक के इसे अभी हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे मैंने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दी हूँ। देखिए 10 मिनट मैंने इसके होने के बाद में फिर हम इसे इसका ढक्कन निकाल के ले लेंगे। माशाल्लाह देखिए हमारा जो चिकन कीमे का भी काफ़ी पानी छूट चुका है और टमाटर भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छे से अभी हम इसे मिला के ले लेंगे इसी तरह से, जो ताकि हमारे जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मैश हो जाए। अभी देखिए इसमें हम मसाले कुछ ऐड करके ले लेंगे। मसाले जो है अभी देखिए 1.5 चम्मच मैंने ले ली हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर। 1.5 चम्मच हम ले लेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ले लेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ले लेंगे हम जीरा पाउडर। ये मसाले सब इसमें ऐड करके ले लेंगे हम। और ये मसालों को भी हम अच्छे से मिला के ले लेना है। देखिए इस तरह से हम इसे मसालों को जो है अच्छे से भून के ले लेंगे हम इसमें। देखिए इस तरह से हम इसे बिना चम्मच रुका हमें अच्छे से हमें मसालों को मिला के ले लेना है। देखिए मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे, तब हम इसमें पानी ऐड करके ले लेंगे। पानी जो है मैंने 1 ग्लास इसमें पानी ऐड करके ले ली हूँ, ताकि मसाला और खीमा जो है अच्छे से पक जाए हमारा। अभी हम इसे झक्कन झके फिर से इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर से मैंने इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दी थी। अभी देखिए माशाल्लाह हमारा जो मसाला है अच्छे से पक चुका है और इसमें काफ़ी इसमें पानी है। पानी जो है हमें अच्छे से इसमें का सुखा के ले लेना है। अभी देखिए इसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट करके इसमें डाल दी हूँ। आप इसमें डालिएगा ज़रूर, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका जो हरी मिर्च का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है खीमे में। यह अच्छे से मिलाने के बाद में आप फिर से हम इसे ढक्कन ढके से पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हरी मिर्च का जो फ्लेवर है ये अच्छे से चिकन खीमे में आ जाए। इसलिए मैं इसे ढक्कन ढके से पका के ले लेंगे हम। फिर से मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दी थी। तो देखिए इसका काफ़ी भी पानी सूख चुका है। देखिए इस तरह से हमें इसका पूरा पानी जो है सुखा के ले लेना है। जब इसका पानी सूख जाएगा, तब हम इसे साइड में इस तरह से खीमे को करके ले लेना है। फिर इसमें हम अंडे ऐड करके ले लेंगे।
मैंने कच्चे अंडों का इस्तेमाल करी हूँ। ये वाले इसमें हम दो अंडे मैंने इसमें डाल दी हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें 3 4 अंडे इसमें ऐड करके ले सकते हैं। अभी हम इसमें नमक भी ऐड करके लेंगे ताकि अंडों में भी थोड़ा सा नमक आ जाए। अच्छे से भी हम इसे इसी तरह से इसे फेंट के ले लेंगे इधर ही। ये देखिए इस तरह से हम इसे फेंट के ले लेना है ताकि नमक जो है अच्छे से इसमें घुल जाए। देखिए ये अच्छे से जो है अंडा जो है इसमें पक चुका है। इसमें हमें ज़्यादा इसे बारीक इसकी भुर्जी नहीं करना है, नॉर्मल सा हम इसे जाड़ा मोटा सा इसमें रख देना है और अच्छे से भी हम इस खीमे में इसे मिला के ले लेना है। अगर आप चाहे तो इसे विदाउट अंडे का भी बना सकते हैं, बगैर अंडे का भी हो ये माशाल्लाह खीमा अच्छा ही लगेगा। हरा धनिया डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिला के ले लेंगे। अंडे से जो है चिकन खीमे में माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कुछ अलग तरीके का चिकन खीमा लगता है ये, इसलिए आप इस तरह से बना के देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और ये ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएंगी ये वाली रेसिपी।